हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर के क्या है लेटेस्ट अपडेट, ये जो न्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली बात है उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी जो भी नए छात्र हैं उनके लिए जैसा कि 15 जुलाई डेट रखा गया था, लेकिन अपडेट पूरी तरीके से बढ़ा के 25 जुलाई तक कर दिया गया। तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट इच्छुक हैं डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक, वो जो है अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी डेट बढ़ा दी गई है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जो डेट है वो 25 जुलाई तक कर दी गई। और ऐसे में जो अभी कुछ छात्र हैं जो जैसे कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन सब का डिक्लेयर कर ही दिया है BTUP कब से क्या होगा। 22 से उनका पेपर होगा और 26 तक पेपर कराया जाएगा। इवन सेमेस्टर के जो भी नए छात्र जो भी पढ़ रहे हैं पहले से छात्र, और जो अभी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर दें। उसकी डेट जो है 25 जुलाई कर दी गई है। फॉर्म कैसे भरना है टोटल बात मैं इस वीडियो में जरूर करूंगा आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से की हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल देखते हैं क्या है पूरी बात। पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि जैसा कि 15 जुलाई थी। छात्र वेबसाइट www.gcup.nic.in पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कई साइड हैं, आप कहीं पर भी जा कर के अपना आवेदन फिलअप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार तक करीब आपको बता दें 330,000 छात्रों ने आवेदन कर चुके हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने अभी प्रवेश परीक्षा की नई तिथि घोषित नहीं की है, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। इस बार सभी ग्रुप के विषयों के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षाएं होंगी। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि डेट बढ़ाई जा चुकी है। अगर आप इच्छुक हैं, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 25 जुलाई तक डेट बढ़ा दी गई है। और अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप अगर 10th पास आउट हैं तो आप भर सकते हैं। 12th पास अगर 12th में है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये 10th बेस पे ही होता है। कुछ एक दो फॉर्म हैं जो 12th बेस पे हैं, तो आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है आपका जो है रिजल्ट भी आ जाए 20 जुलाई तक, तो आप आराम से फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये थी पूरी बात, जैसा कि हमने वीडियो में आपको अपडेट किया। आप सभी से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर जुड़ते हैं वीडियो देखते हैं तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं और हम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं अपने वीडियो के जरिए। तो ये थी पूरी बात, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड तक, बताइए कि डेट बढ़ चुकी है, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी बात वीडियो में, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए नोटिस नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी सर जी, वहाँ से आपको सीधे सीधे सभी वीडियो की या सभी वीडियो की नोटिस मिलेगी, और सभी वीडियो के आपको लिंक वहां पर मिल जाएंगे और PDF फाइल भी मिल जाएगी, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वहां पर हम डाल देते हैं। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी सर जी पे। आपको डबल लेस लोगो दिखेगा, वहां से आप क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थी पूरी बात, हमने आपको अपडेट कराया, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।